हेलो चिल्ड्रन, नमस्कार गार्जियंस। मैं उमेश सेंड्रा और मेरे साथ है परी सेंड्रा। आज हम अपनी जो पहली जो वीडियोस आपको इंग्लिश स्पीकिंग की हमने दी हैं, भेजी हैं, आज उनका टेस्ट का दिन है। आज मैं आपका टेस्ट लेने वाला हूँ, यानी आपने कितना कुछ सीखा है। मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा और आपको उसका जवाब मिलेगा। उसके बाद में, यानी क्वेश्चन के बाद में थोड़ा सा गैप होगा, गैप के बाद में परी को देखते हैं, परी कैसा जवाब देती है, और फिर एनालाइज करेंगे। यानी मेरे क्वेश्चन के बाद में पहले आपको खुद रियलाइज करना है, खुद जज करना है, खुद अपने आप को चेक करना है कि आप मेरे क्वेश्चंस का आंसर दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। ओके, वो तमाम क्वेश्चंस मैं पूछूंगा जो पहली अब तक की वीडियो से जुड़े हुए क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन का सिलसिला शुरू करते हैं परी। ओके, अभी मैंने आपको प्रैक्टिस भी नहीं कराई है, जो प्रैक्टिस आपने की है अपने आप की है, मैं जानता हूँ। तो और ना ही हमने कोई क्वेश्चंस ऐसे सेट बनाए हैं कि मैंने परी को पहले बता दिया ये आंसर करेगी। गलती परी भी करेंगे, उनको हम सुधारेंगे, और आपको भी, आप भी जज करना कि आपने क्या गलती की। कुछ नियम जो मैं बताने जा रहा हूँ उन्हें आप ध्यान से समझें। जैसे अगर मैंने डू से पूछा है, यानी डू से, डज से, या फिर मैंने आपसे हैव हैज इज हैव आर, यानी जो भी मैंने हेल्पिंग वर्ब की है, हेल्पिंग वर्ब से पूछा है, यानी जिस भी टाइम में मैंने क्वेश्चन पूछा है आपको उसी टाइम में आंसर देना। ओके, ये सबसे पहली बात है। अगर मैं डू यू प्ले क्रिकेट ये पूछ रहा हूँ तो आपको उसी में आंसर देना है, चेंज नहीं करना। ओके, फ्यूचर में पूछ रहा हूँ तो फ्यूचर में आंसर देना है, पास्ट में पूछ रहा हूँ तो पास्ट में आंसर देना है, इसी तरीके से आपको भी। तो पहला क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, और पहला क्वेश्चन है What is your name? आंसर करें आप। टाइम अप। यस। My name is Pari Sandra and your? My name is Umesh Sandra. हाँ, इसमें आप and your की जरूरत नहीं है, बस आपको आंसर देना है। मेरे क्वेश्चन होगा, आपका आंसर देना। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, What is your father name? परी। My father name is Mr. Umesh Sandra. ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड, Where do you live? तो जहां आप रहते हो उसका आंसर आपको देना था। तीन क्वेश्चन है, आप खुद सोचें कि आपने कितने सही तरीके से तीनों का आंसर दिया है। यस, क्वेश्चन नंबर फोर पूछने वाला हूं मैं आपसे, व्हाट आर योर हॉबीज? टाइम अप। यस, माय हॉबीज आर वाचिंग टीवी, playing, cooking, blah, blah, blah. Yes, hobbies के बारे में question था। Question number next मैं पूछने जा रहा हूँ, What is your phone number? My phone. Yes. My phone number is 93737-. Okay. Yes. Next question, Do you play cricket? Answer. Pari. Yes, I play cricket. Did you play cricket yesterday? Answer. Pari. Yes, I played cricket yesterday. Yes, I played cricket yesterday. मैंने did लगा के क्वेश्चन किया था, यानी पास्ट की बात की थी, yesterday की पास्ट की बात की थी, और परी ने कहा I played cricket yesterday. Second form का यूज किया। Next question for you. Yes. Will you go to school on Sunday? Answer me. Pari. No, I will not go to school on Sunday. I will not go to school on Sunday. Will not को मिलाकर क्या बोलते हैं? Want. तो इसको हम ऐसे I won't go to school on Sunday. Okay. Next question for you. Have you taken breakfast? Answer me. Yes. Have you taken breakfast? Yes, I have taken breakfast. I have taken breakfast. इन्होंने कहा question have से था, यानी आपने नाश्ता कर लिया है। इन्होंने कहा यस आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट। हैज योर फादर टेकन ब्रेकफास्ट? यस माय फादर हैज टेकन ब्रेकफास्ट। यस माय फादर हैज टेकन ब्रेकफास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, कैन यू ड्राइव बाइक? क्वेश्चन इज कैन यू ड्राइव बाइक, कैन यू राइड बाइक? यस यस आई कैन राइड बाइक। यस आई कैन राइड बाइक। I can also ride bike. मैं भी बिल्कुल चला सकता हूँ, ride कर सकता हूँ bike को। Bike को drive नहीं करते हैं, bike को करते हैं ride. Bicycle को भी ride करते हैं। Okay? Drive bike वैसे normally use करते हैं हम, लेकिन ride is better than drive.
Yes, next question is will your mother cook food at evening? Answer me. Will your mother cook food at evening? Pari. No, my mother will not cook food at evening. Okay, my mother will not cook food at evening. Right? Pari ne kaha. Aapka answer kuch aur bhi ho sakta hai. Next question is, does your brother play kho-kho? Does your brother play kho-kho? Answer me. Does your brother play kho-kho? Yes, my brother plays kho-kho. इन्होंने कहा बिल्कुल सही आंसर है, my brother plays kho-kho. मेरा भाई जो है kho-kho खेलता है. Next question for you is, are you playing cricket? Are you playing cricket? No, I'm not playing cricket. Yes, इन्होंने कहा I'm not playing cricket. बिल्कुल क्रिकेट कहाँ खेल रहे हैं, हम तो बातचीत कर रहे हैं, कन्वर्सेशन कर रहे हैं. Yes. Is your mother learning English speaking now? Answer me. Is your mother learning English speaking now? Pari. No, my mother is not learning English speaking now. Yes, Pari ने कहा my mother is not learning English speaking now. और अगर आपकी मम्मी आपके पास बैठे हुए इंग्लिश स्पीकिंग लर्न करनी है तो आपको क्या बोलना था? Yes, my mother is learning English speaking now. Right? Next question for you. Has your father gone to office? Question is again, has your father gone to office? Pari. Yes, my father has gone to office. मैं तो सामने खड़ा हूँ. Sorry. मैं तो सामने खड़ा हूँ, वीडियो आपके साथ बना रहा हूँ, तो आपका आंसर क्या होगा? No, my father has not gone to office. Question. अब यहाँ पे आंसर परी ने गलत किया है, यहाँ पे went का यूज कर दिया है, जबकि होना चाहिए No, my father hasn't gone to office. वैसे आपकी मैं नॉलेज में डाल दूँ, मैं इस समय ऑफिस में ही खड़ा हुआ हूँ. ओके, तो ऑफिस में हम वीडियो बना रहे हैं, हमारा अपना स्टूडियो भी है, ऑफिस भी है. तो यस, तो परी ये भी आंसर कर सकती है, यस माई फादर इज इन ऑफिस. ओके, क्लियर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, डिड योर ब्रदर टेक लंच यस्टरडे? डिड योर ब्रदर टेक लंच यस्टरडे? Yes, my brother had. Yes, answer. Yes, my brother had taken lunch. Yeah. बिल्कुल गलत. यहाँ पे थर्ड फॉर्म आप यूज कर रही हो जो कि गलत है. पास्ट में सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे. टेक की सेकंड फॉर्म क्या होती है? टेकन. टुक. यस, इन्हें लर्न करो अच्छी तरीके से, क्योंकि आप अगर लर्न नहीं करोगे तो फिर दिक्कत ऐसी आएगी जैसे परी को आ रही है. यहाँ पर सेकंड फॉर्म का यूज करना था, परी ने बिल्कुल गलत आंसर किया है. तो ये आंसर क्या होना चाहिए था? यस, माय ब्रदर टुक लंच यस्टरडे. अब मना करेंगे तो कहेंगे नो, माई ब्रदर डिड नॉट या डिडंट टेक लंच यस्टरडे. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, देखते हैं आप इसका आंसर कैसे करते हैं. एंड द क्वेश्चन इज, कैन योर मदर स्विम इन द कैनल? कैन योर मदर स्विम इन द कैनल? आंसर मी द क्वेश्चन. परी. यस, माय मदर कैन स्विम इन द कैनल. तैर सकती है वो? या नो. तो क्या आंसर होना चाहिए? नो, माय मदर कैन नॉट स्विम इन द कैनल. या कैन नॉट को मिला करके क्या कहेंगे? कांट. यस, माय मदर कांट स्विम इन द कैनल. यस, माय मदर कांट स्विम इन द कैनल. Yes, next question for you is, does your father go for morning walk every day? Does your father go for morning walk every day? Answer me. Does your father go for morning walk every day? My father answer. Don't go. Yeah, don't नहीं, doesn't लगेगा. Doesn't. My father doesn't go for morning walk every day. सही कह रही है, she's right. I do not go for morning walk every day. I go sometimes only. मैं कभी कभी जाता हूँ morning walk के लिए, लेकिन रोजाना planning जरूर करता हूँ daily कि मैं सुबह को morning walk पे जाऊँगा. Yes, I will. This is very bad habit. I will definitely change this habit. I will go for morning walk every day. Yes.
Yes, this is the question for you. Do you get up at 5 o'clock every day? Pari, do you get up at 5 o'clock every day? No, I don't get up at 5 o'clock every day. Yes, Pari is right. She always get up at 7 o'clock, 7:30, 7 o'clock. Okay, she always get up late. Yeah, be both bad habit. We should get up at 5 o'clock in the morning. Yes. Next question for you is: will your mama ji ko maternal uncle bhi bolte hain. Will your mama ji come on Sunday? Will your mama ji come on Sunday? Pari, will your mama ji come on Sunday? No, my mama ji will not come on Sunday. My mama ji won't Sunday. Pari ne answer diya. Aapka answer kuch aur bhi ho sakta hai. My mama ji won't come on Sunday, right? Next question is for you. Is Pari? First the question is for you. Has your brother played cricket? Has your brother played cricket now? Has your brother played cricket now? No, my brother has not played cricket now. Yes, has not. Agar fiance hasn't hoga. My brother hasn't played cricket now. Yes. Next question is for you. Is what is your aim of life? What is your aim of life? ये question मैंने पढ़ाया नहीं है, but I want the answer from your side. This is very common question. What is your aim of life? Answer me. Answer me का मतलब you just can answer in the comment box. जितने questions हैं उनके answer comment box में आप लिख सकते हैं. Okay? Yes. What is your aim of life? My aim of life is to become a poet. Poet? That's good. Means you want to go in literature? Yes. Okay, yes. What is father? Question is, what is your father? What is your father? My father is a principal of Sena Public School. Is the principal of Sena Public School. Principal is your mother, beta. Your father is the chairman and the managing director of Sendra Group of Education. Okay? Okay, now next question is, what is your uncle? Means aapke uncle kya karte? What is your uncle? What is your uncle? My uncle is a businessman. Businessman. Okay. Yes, next is what are the hobbies of your sister? Aapki sister के बारे में पूछ रहा हूँ. व्हाट आर द हॉबीज ऑफ योर सिस्टर? आंसर मी. आई डोंट हैव सिस्टर. यू डोंट हैव सिस्टर. ख्याति इज योर सिस्टर आई थिंक. या या या. व्हाट आर द हॉबीज ऑफ ख्याति? टेल मी. आई डोंट नो अबाउट दैट. यू डोंट नो अबाउट द. ओके. शी डजंट नो अबाउट द हॉबीज ऑफ हर कजिन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज see you again. Answer me. See you again. Okay. Bye bye. Bye. Yeah, जाना जाता था परी को कितना याद है ये सर. Definitely. Okay. Bye. Next question for you is, can your mother drive car? Can your mother drive car? Pari? No, my mother can't drive car. Yes. कुछ questions मैंने आपको पूछे हैं और आपको ये questions जो मैंने पूछे हैं इनके answers आपको दें और कोशिश करें. मैंने कुछ गलतियाँ यहाँ परी ने की है आंसर करते हुए, मैंने सुधारा भी है, कमेंट किया है और आप कोशिश करें इसको, वीडियो को बार बार देखें और आंसर करने की कोशिश करें. ओके, दिस इज द टेस्ट फॉर यू. आप ये टेस्ट था आपके लिए जो मैंने अब तक पढ़ाया है उन सभी के लिए. और टेस्ट के साथ साथ आपको एक ये समझिए कि एक डेमो भी है कि हम कन्वर्सेशन कैसे करनी चाहिए हमें आपस में. दोनों बातें मैंने यहाँ सिखाने की कोशिश की है. पहली बात आपका टेस्ट लिया है, दूसरी बात आपको सिखाया है कि आपको कन्वर्सेशन किस तरीके से करनी चाहिए. ओके.
स्टूडेंट्स वन थिंग मोर, एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने इस वीडियो से पहले वीडियो नहीं देखी है, तैयारी नहीं की है, तो ज़रूर उन वीडियोस को देखें। हमारी इंग्लिश स्पीकिंग की वीडियो, शुरुआती वीडियो हमने जो की है, वो सीखें, देसी से इंग्लिश सीरीज बना करके शुरुआत की है, और इसमें तमाम बेसिक्स हमने सिखाने की कोशिश की है इंग्लिश स्पीकिंग के। उन्हें आप देखें, तैयारी करें, और फिर देखें इस वीडियो के माध्यम से कि आपकी तैयारी कितनी हो गई है। इसी तरीके से हम आगे भी टेस्ट लेते रहेंगे, एंड वी विल बी बैक अगेन, परी एंड उमेश सेंड्रा विल बी बैक अगेन विद इन फ्रंट ऑफ यू टेकिंग अ न्यू वीडियो विद न्यू रूल्स ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग, बेसिक रूल्स ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग। और जल्दी ही मैं आपके साथ लाइव भी आने वाला हूँ, उसकी तैयारी करके बैठे, क्योंकि जब लाइव आऊँगा तो पहले से तैयारी करके बैठेंगे तो बहुत मज़ा आएगा, बहुत कुछ हम सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय, हैव अ नाइस टाइम।